तो भाई लोग, मैंने ये जमीन खरीदा कल ही, और ये पूरा मेरा ही जमीन है जो आपको दिख रहा है। अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलीगुड़ी। ये शिलीगुड़ी है, लग रहा है क्या शिलीगुड़ी है? यस, शिलीगुड़ी के बिल्कुल पास। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गुलमा ब्रिज। वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो गुलमा स्टेशन का बिल्कुल बाजू में ही है। दैट ट्रेन क्रॉसेस दैट ब्रिज। और ये जो दिख रहा है, दिस एंटायर लैंड, ये एक्चुअली महानंदा रिवर का कोर्स है, जो अभी ऐसा सूखा हुआ है, बट ड्यूरिंग मानसून इट फिल्स अप। जगह जो है, माय गुडनेस, इतना इतना, इट्स गॉर्जियस। एंड सुबह में मैं अभी आया ब्रेकफास्ट करके सीधा यहाँ पे, और जहाँ पे देख रहा हूँ, सिर्फ इट्स अ गॉर्जियस फोटोग्राफ। लेट्स शो यू। और आज जो मेरा प्लान है वो है यहाँ का ही और कुछ जगह एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे आने के बाद मुझे मन नहीं कर रहा है और किधर पे जाऊँ, बस यहाँ पे घूमूँ। कल भी हम यहाँ पे आए थे, इस ब्रिज के बाजू में ही था खैरेनी विलेज, और अभी विलेज के इस पार में है। और सच में ऐसा मौसम मुझे मिला है अब सिलीगुड़ी का, क्या बताएं। सो स्टे ट्यून्ड, एंड नीचे में जो बटन है ना सब्सक्राइब, दबा दीजिए, सब अपडेट आपको मिलेगा। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस ब्लॉग। आपको लग रहा होगा कि रॉयल एनफील्ड का हेलमेट पहना हूँ तो रॉयल एनफील्ड आई एम राइडिंग, नो, इट्स नॉट अ रॉयल एनफील्ड, इट्स अ, ऐसा लगा मेरा मजाक हो गया ना पोपट। या इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन सिलीगुड़ी, एक स्कूटी ले लो और स्कूटी लेके घूमो और एंजॉय करो सिलीगुड़ी का ये सब बेहतरीन नज़ारे। सो लेट्स गो। कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा नहीं लगे तो पैसा वापस। तो भाई लोग, मैंने ये जमीन खरीदा कल ही, और ये पूरा मेरा ही ज़मीन है जो आपको दिख रहा है। इट्स माई लैंड, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला ही हूँ। सो ये मेरा ज़मीन है, मेरा देश है। सच में व्हाट अ टाइम आई एम हैविंग, दिस इज़ क्रेजी स्टफ। एंड द वेदर, द स्काई, एवरीथिंग, इट्स मैजिकल गाइस, एब्सोल्युटली मैजिकल। So that is the Gulma station and this is the bridge. And I'm so lucky, ऐसे moment में हूँ कि एक train आ रहा है इसी तरफ। So let's shoot it.
ऐसा मौका हर टाइम नहीं मिलता स्टैंडिंग ऑन अ रेल ब्रिज और ऐसा जगह में। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश चालू हो चुका है और ऐसा मौसम और ऐसा रुकावट हर वक्त है। हम यही दुआ करते हैं भगवान से। क्या नज़ारा है ये। चलिए कुछ खाते हैं लंच टाइम। और ये है हमारा सिंपल सा लंच, चिकन मोमो और कोक। बाहर भी बारिश चल रहा है, वेटिंग, जैसे रुकता है हम लोग निकलेंगे बाहर। चलिए निकलते हैं, बारिश रुक चुका है, लेट्स गो। ऐसा नज़ारा सिलीगुड़ी के पास मुझे देखने को मिलेगा, इट वॉज अनबिलीवेबल। सो लेट मी शो यू दिस व्यू। यू कैन सी आफ्टर द रेन बादल नीचे आ चुका है। यू कैन सी दैट पैच, सी वाओ। ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग है, भगवान ने पेंटिंग किया है, ग्रीन कलर फेंका है, उसके ऊपर ऐसा लाइन बनाया है और ऊपर में ऐसा स्मोक डाल दिया। जस्ट सी दिस, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। सो आई हैव रीच्ड द गुलमा टी एस्टेट, यू कैन सी बिहाइंड। दिस एंटायर एरिया इज द गुलमा टी एस्टेट एंड दिस इज द अमेजिंग लैंडस्केप हियर। वाओ। The Gulma forest, inside the forest. You can see the roads. It's a very difficult road. Usme I'm shooting, so the videos might be shaking. So कुछ नहीं कर सकते, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं कि वीडियो शेक ना हो। सो ये था नज़ारा गुलमा फॉरेस्ट का। इसके आगे हम नहीं जा सकते, इज अ नो एंट्री बोर्ड, सो वी हैव टू गो बैक फ्रॉम हियर। तो चलिए सीधा मिलते हैं शहर में और खाते हैं कुछ ऑथेंटिक खाना यहाँ का। इज अ वेरी स्पेशल जॉइंट दैट आई वांट टू शो यू गाइज, सो लेट्स गो and let's meet there. See you. Good evening. और हम अभी पहुंच चुके हैं कुछ authentic खाना खाने के लिए। और भाई साहब सिलीगुड़ी में जो ठंड है और जो हवा लग रहा है मेरे सीने में, 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। सच में क्या बताएं, एकदम बहुत गलती हो गया। कोई फुल स्लीव शर्ट नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं आप लोग के लिए, आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं, let's have some food. So today's destination is Kakhem. It's Tibetan and Chinese food venture and yahan ka sab kuch authentic hai. So let's go. We will go to the backyard of Kakhem. Let's go. It's amazing vibes here. So
So this is the menu of Kakhem, Tibetan and Chinese food hub. It's all authentic food. And most importantly, this line is very important for me. We prepare fresh food, kindly bear with us. Very important. Here the chicken fillet and ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, एक ही चीज़ को ट्राई करेंगे एंड बाकी सब आपको तो ट्राई करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो चिकन फिलेट, here we go. वेरी क्रिस्पी, वेरी नाइस. वेरी ऑथेंटिक. एक चीज़ होता है ना फ्रेश, दैट यू कैन फील हियर व्हेन यू ईट. वेरी नाइस. कल मैंने बहुत जगह खाया था सिलीगुड़ी में टिबेटन फूड, बट ऐसा टेस्ट नहीं मिला सच में. आई एम नॉट जोकिंग. बाकी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यू कैन गो एंड चेक ऑल द डिटेल्स अबाउट काखेम. मिलते हैं खाने के बाद. Kakhem is located at Pradhan Nagar, Siliguri. बाकी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है. और आज का व्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है एंड ये था इस ट्रिप का लास्ट व्लॉग. सिलीगुड़ी का बहुत ही छोटा सा व्लॉग सीरीज था क्योंकि मुझे ये आपको दिखाना था कुछ नया. और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टू शो यू समथिंग न्यू. आई होप यू लव द व्लॉग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू और जुड़े रहिए. और भी बहुत बहुत कुछ व्लॉग आने वाला है. So stay tuned as always and please remember you are the best. Ek hi zindagi, jeeo apni zindagi. See you soon guys.